चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे आज की वीडियो की। और आज की वीडियो में थोड़ा और मैथ से रिलेटेड टॉपिक पढ़ लेते हैं। और इसमें हम सिर्फ सिंपल सिंपल से टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं जो आपके ट्रायंगल्स थे उसके जो मीडियन होते हैं, ठीक है, मतलब मीडियम पॉइंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन आगे चल के हम और सर्वांग सम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक ही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा है कि जो त्रिभुज की जो माध्यिका होती थी, टॉप इसका ये जो होता है इसका शीर्ष जो कहलाता है, ठीक है, ये त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। ये हो गया और ये हो गए, ठीक है, ये तीनों इसके शीर्ष हो गए। यहाँ पे इसके एंगल बनता है। तो जो माध्यिका है त्रिभुज की, यानी कि जो मीडियन है, मीडियम है, उसको कहा जाता है कि जो शीर्ष बिंदु को सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा का मतलब होता है जो आमने सामने की भुजाएं, ठीक है, तो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की मीडियम कहते हैं। अब यहाँ पर आप कैसे कहेंगे कि जैसे बी सी है आपका, बी और सी, ठीक है, तो बी और सी की जो मीडियम है वो क्या है, ई है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच का जो बिंदु है, यानी कि जो बीच का पॉइंट है वो क्या है आपका, ई है। इसी तरह आप यहाँ पर ध्यान दें, आपका ए और सी, ए और सी का जो माध्यिका है वो होगी एफ, एंड आप यहाँ पर देखें ए और बी, ए और बी की होगी आपका डी, ठीक है। यहाँ पर ही आप पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह से इसको हम मिला भी सकते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट बनेगा, वो क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो ये माध्यिका हो गई ए बी बी सी और सी, ए बी बी सी और सी ए, ठीक है, इस तरह से आपकी हमने तीनों माध्यिकाएं निकालनी, ठीक है। तो ये जो मिड पॉइंट होता है वो कहलाती है माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका, यानी कि मीडियम, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो इसकी जो माध्यिका है वो संगामी होती है। अब संगामी का मतलब क्या होता है, ठीक है, संगामी का मतलब होता है कि एक दूसरे को कैंसिल करें। ये हो गया, ये हो गया, यानी कि जब बीच में एक पॉइंट होता है और उससे कितनी भी लाइंस हम खींच दें तो जहां पर ये इनका जो क्रॉस होता है उसको कहा जाता है संगामी बिंदु, ठीक है, मतलब जहां पर मिलना जो इनका एक पॉइंट होता है जहां पर से सारी लाइंस होकर जाती हैं वो कहलाता है संगामी बिंदु, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं केंद्रक, यानी कि जो सेंट्रोइड है उसको क्या कहा जाता है। तो सेंट्रोइड क्या होता है त्रिभुज का, यानी कि ट्राइंगल का, वो भी यही होता है जहां पर ये सारी लाइंस मिल रही है। ये देखिए, ये और ये, तो ये जो मिड पॉइंट है इसको कहा जाता है आपका केंद्रक, ठीक है, केंद्रक का मतलब होता है आपका सेंट्रोइड, ठीक है, ओके। तो ये त्रिभुज का केंद्रक हो गया। अब आगे हम देख लेते हैं इसका जो केंद्रक है, सपोज ये हो गया आपका ए बी सी, इसको डी मान लेती हूँ, इसको ई, इसको एफ, और ये जो बीच में है उसको जी, तो ये हो गया आपका जी। और आपको हमेशा याद रखना है कि इनका जो रेशियो होता है, तो जो रेशियो होता है वो हमेशा होता है, तो किसका रेशियो, जो आपका जी ए इक्वल जी ए, ठीक है, जी ए इक्वल होता है हमेशा टू जी डी के, ठीक है, ये पॉइंट इसके दोगुना होता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं इनका जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है 2:1, यानी कि जी ए, ठीक है, जो जी ए है वो रेशियो जी डी के बीच में जो रेशियो होता है वो 2.1। तो ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि जो आपका केंद्रक है, यानी जो सेंट्रोइड है, उसके जो मिड पॉइंट है जहां पर, ठीक है, तो रेशियो क्या होता है 2:1, ठीक है, इन दोनों के बीच 2:1 होता है, ठीक है, 2:1 होता है, ठीक है, यानी कि त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है, ठीक है। त्रिभुज की माध्यिका हमेशा संगामी होती है और त्रिभुज की माध्यिकाओं के सगमन बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जहां पर ये सारी लाइंस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं वो इसका क्या कहलाता है, केंद्रक, ठीक है, यानी कि सेंटर। त्रिभुज का केंद्रक उसके मध्य में स्थित होता है, तो ऑब्वियसली मध्य में स्थित होगा क्योंकि जो आपका मिड पॉइंट है जहां पर सारी लाइंस निकल रही हैं वो उसका कहां पर होगा, मिड में ही होगा। और त्रिभुज का केंद्रक उसकी प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया हमारा मीडियम, एंड हमने केंद्रक के बारे में पढ़ लिया, ट्राइंगल्स का केंद्रक क्या होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और, जैसे कि सर्वांग समता क्या कहलाती है एक ट्राइंगल की, ठीक है। चलिए तो हम बात करने वाले हैं सर्वांग समता की, जो कि ट्राइंगल्स में होती है। आप इस निशान को देख के पहचान सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है, हमने पढ़ा होगा जैसे ए बी सर्वांगसम ए सी सर्वांगसम बी सी, ठीक है, मतलब एक तरह से मैं ऐसे ही बता रही हूँ। तो सपोज ये आपके पास एक ट्राइंगल, ये देखिए मैंने फर्स्ट ट्राइंगल लिया जो कि है आपका ए बी एंड सी, जस्ट मैंने यहाँ पर सेकेंड ट्राइंगल लिया, ये आपका डी ई और एफ ले लिया मैंने, ठीक है। तो सर्वांग समता
मतलब एक दूसरे पर एकदम फिट होना, मतलब सर्वांग सम, मतलब एक दूसरे के इक्वल डुप्लीकेट, यानी कि हम कह सकते हैं जुड़वा, ठीक है। यानी कि अगर ये जो लाइन है आपकी, ठीक है, ये जो आपका लाइन है, जो साइड है, वो इक्वल होगी इस साइड की, तब ये सर्वांग सम होगा। ये लाइन इसके इक्वल होगी और ये लाइन इसके इक्वल, मतलब इस तरह से हम देख सकते हैं। इसको मैंने डबल किया, यानी ये इक्वल होंगे, इसको ट्रिपल कर दे ये, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, यानी कि सर्वांग सम होगा। अगर ये साइड इसके इक्वल है तो सर्वांग सम होगा, और ये साइड इसके इक्वल, मतलब ये जो टोटल है, फर्स्ट जो त्रिभुज है, यानी कि जो फर्स्ट ट्राइंगल है, वो सेकंड को ये अपने में छुपा ले। अपने में छुपा ले मतलब ये जो आपका एबीसी है, ठीक है, ए बी सी, तो ए बी सी के अंदर ही आपका डी एफ भी छुप जाए, मतलब यहीं पे छुप गया वो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर डी ई एफ बी आ गया, मतलब एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ जाना, ठीक है। अब और एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसी एक जैसी पिक्चर्स है, ये एक ये ट्राइंगल है, जस्ट इसी साइज का दूसरा रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल है, ठीक है, ए बी सी डी, ये हो गया आपका ई एफ जी एंड एच, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक दूसरे को छुपा ले रहा है। ये साइड इस साइड के इक्वल हो, ये साइड इस साइड के इक्वल हो, ये थर्ड के इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो, ठीक है। यानी कि अगर ये 4 है तो ये 4, ये 5 है तो ये 5, ठीक है, ये 6 तो ये 6, और ये 7 तो ये 7 होना चाहिए, ठीक है। तभी हम कहेंगे कि जो हमारा ट्राइंगल है वो क्या है, सर्वांग सम है। चलिए अब सपोज हमें पता करना कि ऐसा कौन है जो नहीं है, तो जो नहीं है वो हम देख लेते हैं। सपोज ये मैंने बनाया छोटा ट्रायंगल, जस्ट ये मैंने बना दिया बड़ा ट्रायंगल, ओके, तो ये क्या होंगे, सर्वांग सम नहीं होंगे, मतलब बिकॉज ये इसको नहीं छुपा पा रहा है। ये यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर मान के चलो 8 है, ये 4 है तो यहाँ पर ये 6 है, ठीक है, यहाँ पर ये 5 है, ये यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, इसमें फिट नहीं है, तो ये आपकी सर्वांग सम जो है, सर्वांग समता वो क्या होगी, नहीं होगी, मतलब उसको ये फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। एंड लाइंस को भी आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखें 2 लाइंस हैं, ये हो गई बड़ी लाइन, ये छोटी लाइन, तो ये भी क्या होंगी, सर्वांग सम नहीं होंगी, क्योंकि एक बड़ी और एक छोटी, अगर एक जैसी लाइन है, मतलब पैरेलल जो लाइंस होती हैं वो हमेशा सर्वांग सम हो सकती हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। मतलब एक जैसी लाइन, ये एक एक से आगे बढ़ रही है, एक जैसी ही है, तो ये आप कह सकते हैं कि इस डेफिनेशन के अंदर आ सकती है, ओके। अब देख लेते कि सर्वांग समता को आप कैसे और पहचान सकते हैं अगर आपको आता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या करना है आपको, वही ट्राइंगल में ले लेती हूँ जो अभी मैंने लिए थे, ठीक है। 2 ट्राइंगल हमने ले लिए यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, अभी स्मॉल में। अब देखिए कैसे आपको करना होगा, ये जो साइड है आपकी, यानी कि आप लिखेंगे ए बी अपॉन होगी आपकी डी एफ की, ठीक है, इक्वल बी सी अपॉन एफ सी, मतलब बी सी और एफ सी इक्वल होने चाहिए, इक्वल आपका जो ए सी है अपॉन डी ई क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि ये सर्वांग समता है, ठीक है। तभी हम कहेंगे कि ये सर्वांग समता को दर्शा रहा है, मतलब तभी हमारा जो मेथड है या फिर हमारी जो डेफिनेशन है वो राइट होगी, ठीक है। तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते कि आपको ट्राइंगल दिया, देन आपसे पूछा जाएगा कि विस साइड, मतलब सारी साइड देखना है आपको, फिर बताना है कि कौन सी साइड है, क्या ये जो ट्राइंगल्स हैं दोनों क्या ये सिमिलर हैं, मतलब सिमिलरिटी है उनमें कि नहीं है, ये सारी चीजें हम सर्वांग समता से कर सकते हैं। अब इसको लेकर के कुछ रूल्स भी हैं, या ये कह सकते हैं आप लॉ भी हैं जो हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले जैसे इसमें होता है एक एस, ठीक है, एस ए एस साइड एंगल साइड, ये होगी इसकी फर्स्ट सिचुएशन। देन अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में आपकी होती है एंगल साइड एंगल, ठीक है, ये होगी आपकी सेकंड एस एस एस, ठीक है, ये हो गया आपका। कि यहां पर आपने देखी, इसका मतलब होता है कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड मतलब ये आपके पास, ये मैंने 2 ट्राइंगल ले लिया, ओके, साइड मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये सिचुएशन फॉलो करनी चाहिए। मतलब क्या है, मान के चलिए एंगल है 50 डिग्री का, तो ये भी 50 डिग्री का होगा,
अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, और ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ठीक है। तो ये वाला लॉ यहाँ पर क्या होगा, फॉलो करेगा। सेकंड है ASA, मतलब एंगल साइड एंगल। अब इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में भी लिख देती हूँ, इसका मतलब होता है भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा प्रमेय, ठीक है। भुजा कोण भुजा ये होता है आपका कोण भुजा और कोण, ठीक है। ये हो गया, मतलब नियम है इसके। और एक होता है आपका भुजा भुजा और भुजा, मतलब तीनों साइड के लिए, ठीक है। आगे समझ में, भुजा कोण भुजा, फिर कोण भुजा कोण और भुजा भुजा कोण, ठीक है। मतलब इसमें तीनों साइड, यानी कि साइड साइड एंड साइड, ठीक है। अब इसका देख लीजिए, ये आपका एंगल वाला, इसमें टू ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। ये मैंने लिया, इसमें कह रहा है कि एंगल एंगल साइड एंगल, मतलब यहाँ पर ये सिचुएशन होगी, यानी कि ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ठीक है। मतलब एंगल पर डिपेंड करेगा। देन ये जो आपका SS है, उसका मतलब है SSS, SSS मतलब 4 तो ये 4, ये 5 तो ये 5, ये 6 तो एंड 6, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो आपका रूल फॉलो हो रहा है वो होगा आपका साइड साइड साइड, ठीक है। तो इससे रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, मेरी मैथमेटिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने इनको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है, ठीक है। तो वहां पर जाके भी आप अच्छे से ले सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर ही रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया भुजा कोण भुजा नियम, फिर हो गया आपका एंगल साइड एंगल, मतलब हो गया कोण भुजा कोण, फिर हो गया आपका भुजा भुजा भुजा, ठीक है। 3 नियम तो इसके इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसका एक और रूल, एक और होता है RHS। RH का मतलब होता है, यहाँ पर आप कह सकते हैं समकोण कर्ण भुजा। समकोण कर्ण भुजा मतलब वही राइट एंगल होगा ये, ठीक है। मतलब दोनों में जो है 90 का एंगल बनना चाहिए, दो जो ट्राइंगल्स होंगे उसमें 90 का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो सिमिलरिटीज हैं, जो ट्राइंगल्स में क्या सिमिलरिटीज होनी चाहिए और उसके क्या लॉ है, भुजा कोण भुजा है कि साइड एंगल साइड, ये सारी चीजें। तो इस बेस पे आपको एक पिक्चर आ जाती है और फिर आपसे कहा जाता है कि विच रूल फॉलो, मतलब ऐसा कौन सा रूल है, कौन सा फॉलो हो रहा है, तो आपको उसमें वो बताना पड़ता है कि हाँ इसमें ये रूल फॉलो हो रहा है, इसमें ये रूल फॉलो हो रहा है,